नमस्कार, लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्यूए सेशंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस। ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते हैं कि ये योग अच्छा है, ये योग खराब है, या फिर ये योग एक्सट्रीमली खराब है। जो दिमाग वाले लोग होते हैं, जो कि बहुत लॉजिकल होते हैं, वो ये पूछते हैं कहाँ खराब है, क्यों खराब है, कैसे मैनिफेस्ट होगा, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, पहले ना पहले तीन क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, खराब क्यों होगा, मैनिफेस्ट कैसे होगा, किस एरिया में जाके खराब होगा और इसका सॉल्यूशन यही क्यों है। जब आप ये सब चीजें समझने लग जाते हैं ना, तब आपको ज्योतिष का असली मतलब समझ में आता है। तब आपको लगता है कि, और मेरे को लगता है कि मेरे को ज्योतिष में बहुत टाइम बाद जाके ना बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें समझ में आई। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हम सब स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना कि ये योग अच्छा है, गुरु का केंद्र में होना अच्छा है, नाइन्थ लॉर्ड का एग्जॉल्टेड होना अच्छा है, इस प्लैनेट का डेबिलिटेड होना अच्छा है। उसके पीछे का रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है जब तक रीजनिंग नहीं दोगे ना किसी को, और स्पेशली ऐसे व्यक्तियों को, मतलब जिनको ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए, वो व्यक्ति ना फिर आप ना ज्योतिष के अंदर जिंदगी भर भटकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको क्यूरियस बनाते हैं। यही ह्यूमन नेचर है कि हम एक पर्टिकुलर नॉलेज है उस बेस के ऊपर कुछ और बिल्डअप करते हैं। कि हमने पहले बेसिक सीखा, ब्लॉक सीखे, उसके बाद हमने सोचा अच्छा इसके पीछे का रीजनिंग देखते हैं। तो जितना मेरे को आता है, जितना भी थोड़ा बहुत ज्योतिष मैं समझ पाया, उस थोड़े बहुत ज्योतिष के अंदर से कुछ पोर्शन मैं आपका जो डाउट्स में क्लियर कर सकता हूँ वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आप ना पहले ना आकाश को समझ लीजिए। अगर आपको जोड़ियाक समझ में आ गया ना, आपको ना ग्रह समझ में आ जाएगा। क्योंकि ना ये जो पूरा का पूरा जोड़ियाक है ना, ये बहुत ब्रिलियंट तरीके से बनाया गया। मतलब ये जो घर डिवाइड किए गए ना, केंद्र, त्रिकोण, पनफर, अपोकेलम, ये जितने भी घर डिवीजन है घरों का, कि पहले घर में आपको हेल्थ मिलता है, दसवें घर में स्टेटस मिलता है, तीसरे घर में आपको पराक्रम मिलता है, ये घरों का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे जद्दोजहद ना किसी भी इंसान की सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उसको क्या चाहिए और ग्रह किस पोजीशन में बैठा है, ग्रह क्या देना चाहता है। अगर गलत घर से, अगर आप गलत स्टोर में आके, आप एप्पल के स्टोर में आके एंड्रॉइड का फोन की डिमांड करोगे, या बोलोगे मेरे को 2 किलो चीनी चाहिए, गलत जगह पे गलत सामान नहीं मिलता आपको। इसी का जब फर्दर डिवीजन है वो नक्षत्र है। नक्षत्र के अंदर और स्पेसिफिक हो जाता है कि ये नक्षत्र क्या दे सकता है। क्या आप विशाखा नक्षत्र से ताकत की बात कर सकते हो? क्या आप चित्रा नक्षत्र से हीलिंग की बात कर सकते हो? आपको सोचना पड़ेगा ना वो नक्षत्र का एनर्जी क्या है आपके रेफरेंस पॉइंट में। क्योंकि आप जब पैदा हुए हैं, आपका एक लगन है, आपका 3 नंबर का लगन है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर्स में नैतिकता ढूंढते हैं। क्योंकि आपसे सामने कौन है, मॉरलिस्टिकली साइन है, सैजिटेरियस का साइन है। आप क्या ढूंढ रहे हैं सामने वाले बंदे के अंदर, कि ये व्यक्ति नैतिक हो। तो जेमिनी असेंडेंट के अंदर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, उसकी शादी का पूरा प्रॉब्लम यह है कि मेरा पार्टनर धर्म का पालन नहीं कर रहा या अधर्मी है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैंने आपको 12 के 12 लगन भी सिखाऊंगा पूरी सीरीज के अंदर। डिपेंड करता है अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सेशंस मेरे को बीच में इसलिए करना पड़ते हैं क्योंकि ड्यूरिंग दी क्लासेस भी मैं जब सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूं तो स्टूडेंट्स नहीं सीखना चाहते, या उनके अंदर का ना एक कैसे बोलते ना कि वो बाहर ही आना देना चाहते उस नॉलेज का। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जेमिनी असेंडेंट बताया कि सैजिटेरियस 7th हाउस में होता है। सैजिटेरियस का काम है प्रिंसिपल, नैतिकता की लड़ाई है, सारी की सारी लड़ाई नैतिकता की है और कोई लड़ाई ही नहीं है वहां पर ये सैजिटेरियस जहां पर भी है आपके पूरे चार्ट में, इसको बोलते हैं ना धर्म युद्ध, वही सैजिटेरियस है। अब वो जहां पर भी है, ऐसे व्यक्ति का आप देखो पाइसिस असेंडेंट वाले को
टेंथ हाउस में मिला सेजिटेरियस, इसका मतलब ये है ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन कर्म करेगा कि ये नैतिक है या अनैतिक है, नैतिक है अनैतिक है, उसके जॉब नहीं है, उसके अंदर का एक बहुत बड़ा द्वंद है कि मेरे को काम ऐसी जगह पे करना है जो मॉरलिस्टिकली राइट हो, जो मॉरली राइट नहीं है, जो गलत है वो गलत है हर हालत में, फिर नुकसान हो फायदा हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर एक्वेरियस वालों को देखोगे, एक्वेरियस के लिए टेंथ हाउस में स्कॉर्पियन राशि है, तो स्कॉर्पियन राशि बोलती है कि मेरे को सिर्फ वही काम करने हैं जिसके अंदर एक्सट्रीमली चैलेंजेस हों, जो कोई ना कर पा रहा हो, चाहे खुद को खत्म करके भी करवाना पड़े, चाहे मैं खत्म हो जाऊं, पर मेरे को ये काम करना है और मरते दम तक काम करना है, क्योंकि 11 जल नंबर जल जितने लोग आपको मिलेंगे ना वो बिल्कुल एंड टाइम तक काम करते हुए मिलते हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि वो अपने आप को खत्म कर देते हैं अपने कर्म के पीछे। तो मैं 12 के 12 लगन आपको ऐसे ही सिखाता हुआ चलूंगा, पर उससे पहले जरूरी है कि केंद्र आप सीख जाएं, त्रिकोण सीख जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको आता हो, और मेरे को पक्का श्योर है कि जितने कमेंट्स के अंदर मैं देखता हूं बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं, मुझसे तो एटलीस्ट ज्यादा आता है। तो अगर आपको मुझसे ज्यादा आता है ना, मैं बोलूंगा आप ना मेरे को सिखाओ, मैं सीखने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि क्या है ना कि कई बार हमको लगता है कि हमको आता है, ये गलतफहमी हमको रहती है, एटलीस्ट मेरे को तो ये रहती थी, पर जैसे जैसे मैं और पढ़ता जाता हूं मेरे को लगता है कि अभी तो ना इतना सा भी नहीं आया शायद ज्योतिष मेरे को, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अगर आपको मुझसे ज्यादा आता ना, मैं बोलूंगा बिल्कुल आता होगा, आप बिल्कुल सिखाइए, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैं सिखा पा रहा हूं, जो मेरे को समझ में आए, मेरा अंडरस्टैंडिंग है केंद्र का, त्रिकोण का। तो केंद्र क्या है? केंद्र ना 1, 4, 7, 10, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, दसवां घर। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि पहला चौथा सातवां घर घर किसको कहते हैं, तो फ्री कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री कोर्स कीजिए, वो 6 लेक्चर्स हैं, ब्रिलियंट लेक्चर्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की है कि सिखा पाऊं। वो पहले 6 लेक्चर्स हैं उन लोगों के लिए जिनको ज्योतिष में कुछ भी नहीं आता, वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, वो लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वो कोर्स कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, केंद्र पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, दसवां घर। केंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है, केंद्र क्या है? आप देखोगे कि केंद्र ही लाइफ के पिलर्स हैं, ये 4 वो घर हैं जिनके अंदर पिलर्स हैं, और जिनके घर, मतलब ये सोचिए कि ये आपकी पूरी जिंदगी का फोकस है। पहला घर क्या है? आपका हेल्थ। दूसरा घर क्या है? दूसरा जो केंद्र है, चौथा घर, आपका सुकून, आपके मदर, आपके कंफर्ट्स, रहने के लिए घर चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहली चीज आपका हेल्थ होना चाहिए आपके पास, दूसरी चीज आपके पास रहने के लिए, कंफर्ट पाने के लिए एक घर होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको याद होगा कि शायद आजकल की नई जनरेशन को नहीं पता हो, पहले के बुजुर्ग जितने भी थे वो घर की, गांव की जमीन नहीं बेचते थे, वो कहते थे यही है सब कुछ है, जमीन नहीं बेचेंगे कभी भी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 4th हाउस है ना, पिलर है, आपको कुछ भी होगा, आपको कुछ कितनी भी मुसीबत में होगी ना, सबसे पहला व्यक्ति जो याद आएगा वो घर है, क्योंकि घर में जाते ही ना आप सुकून पा जाते हो। 4th हाउस वो आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी जिंदगी का मोरालिटी, कितनी मां ने क्या सिखाया है, परिवार के संस्कार क्या है, 4th हाउस है। जिसका 4th हाउस करप्ट हो जाता है ना, उसकी मोरालिटी चली जाती है, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो घर है ना, इमोशनल बॉडी है। आपको पता है, आप ना फिजिकली अगर आपको चोट लगे ना 1st हाउस में, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, रिकवर कर जाओगे, बॉडी रिकवर कर जाती है, ह्यूमन बॉडी बनी इस तरीके से, बुखार हो आप आराम से हो जाओगे। लेकिन ना आप अगर इमोशनली टूट जाओ, मन से टूट जाओ, उसको बोलते ना मन के हारे हार है, आप इमोशनली टूट जाओ 4th हाउस, अपनी इमोशनल बॉडी का कंट्रोल कभी भी किसी को मत दीजिए। रिचुअल्स ऑफ एपिसोड में पूरा चैप्टर मैंने इस पे लिखा, बिकॉज इमोशनल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज में से एक है। आप जब इमोशनली बीमार होते हो ना, और यहाँ पे 3 नक्षत्र इमोशनल डिजीज के हैं, मतलब देखिए वहां पे भगवान राम का नक्षत्र आता है पुनर्वसु, सब कुछ इमोशंस पे है, शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, विश्वामित्र को गुरु बना रहे हैं, अहिल्या के आश्रम में जा रहे हैं, सब कुछ इमोशंस पे है, कि मन ने मान लिया कि ये है,
किस फादर ने वहां पे फादर ने वचन दिया, फादर ने बोला, आप इमोशनली मान लिया कि आपने बोला मैं करके दिखाऊंगा, सब कुछ इमोशंस पे है वो चार नंबर के अंदर। चौथा घर ना है ही ऐसा, उसके बाद पुष्य है और उसके बाद अश्लेषा है, इमोशनल वॉरफेयर है अश्लेषा, तो है इमोशनल वॉरफेयर, ध्यान रखिएगा वॉरफेयर है वो इमोशनल अश्लेषा नक्षत्र। आपको अश्लेषा ऐसा लड़ाई करने वाला कभी नहीं दिखाई देगा, मतलब कोई भी ग्रह अगर अश्लेषा में आ जाए ऐसा व्यक्ति इमोशनली ऐसा लड़ता आपको लगता है पागल है, कैसे लड़ सकता है ऐसे कोई। लाइक इमेजिन करो महात्मा गांधी है, मून अश्लेषा में है, उनको ना ब्रिटिश सरकार कुछ भी कह रही है, आपका मत मिलता हो नहीं मिलता हो उनकी आइडियोलॉजी से अलग बात है, लेकिन आप उनका इमोशनल वॉरफेयर देखो। देखो जब आप ज्योतिष सीखते हो ना, अपना पॉलिटिकल बायस, रिलीजन बायस, जो भी आपके बायस है इनको छोड़ दो, आप अपना ज्योतिष को देखो, ज्योतिष साइंस की तरह है। उसके बाद आप जितने भी अश्लेषा वाले देखोगे ना, आपको देखने में मजा आएगा कि अच्छा शुक्र अश्लेषा में है तो पार्टनर कैसा है, क्या इमोशनल ट्रॉमा खेल रहे हैं दोनों के दोनों। तो वो बोल रहे हैं कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं अहिंसा करूंगा, मैं वॉक कर लूंगा, बोल रहे हैं कि इसको मारेंगे, तो बाकी लोग तो बोलेंगे चलो वापस मारते हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है क्या, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सूर्य राहु है ना दस के अंदर, उनको कैसे दबाओगे, उनका उनका कैसे एनर्जी लेके जाओगे, क्योंकि वो होता अथॉरिटी के लिए। उस तरफ एक अश्लेषा वाला बंदा बोल रहा है मेरे को मारोगे, मैं वापस नहीं मारूंगा। इमोशनल गेम ही तो है ये, यही तो माइंड गेम है ना, माइंड गेम खेला जा रहा है। तो सामने वाले बंदे को समझ में आना बंद हो गया कि ये चाहता क्या है अभी। सुभाष चंद्र बोस का तो एजेंडा क्लियर कट है कि वो सीधा बोल रहे हैं कि अथॉरिटी चाहिए, आर्मी बनाएंगे, ये करेंगे, सूर्य राहु मंगल है वो आर्मी बना रहे हैं, और राहु है तो फॉरेन आर्मी और बहुत सारे फॉरेन सोर्सेस से आके मिल रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि फोर्थ हाउस ना आपका इमोशनल बॉडी है, ये केंद्र है, इसको डिस्ट्रॉय मत होने देना किसी भी तरीके से, अपने घर को डिस्ट्रॉय मत होने देना, अपने मॉरलिटी को कभी मत जान देना, आपके पास कुछ भी नहीं है ना। देखो जुपिटर यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है फोर्थ हाउस में, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, मॉरलिटी होना चाहिए, मॉरलिटी गया ना सब कुछ गया। जिसका जुपिटर नहीं है ना, इसके पीछे के संस्कार नहीं है, जिसको जिसको ये नहीं पता बात कैसे करनी है, भाषा का ज्ञान नहीं है, व्याकरण नहीं है, जिसको परिवार से गुरुजनों से कुछ मिला नहीं है, ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बचता। कुछ भी होता होगा ना, फोर्थ हाउस को मत खराब करना, मोरालिटी को कभी भी किसी भी हालत में प्रॉब्लम में मत आने देना, क्योंकि पता क्या बाकी चीजों का ना इलाज हो जाएगा, फोर्थ हाउस का इलाज नहीं होगा, मुश्किल काम है, ये पिलर है आपकी जिंदगी का, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो तीसरा हम केंद्र देखते हैं, वो केंद्र है सातवां घर, आपके पार्टनर्स, आपका रवैया समाज के प्रति, आपको कौन पूरा करेगा, क्योंकि पहला घर अगर आपका लगन है, सातवां घर आपसे अपोजिट है, आपको कौन चैलेंज करेगा, आपको कौन ऊपर बढ़ाएगा, आपके सामने सामने चुनौती है ना, आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, आपके पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं हमेशा बोलता हूं एक अच्छा पार्टनर, आप जैसे होते हो, आप जिस संगति में बैठते हो, सेवेंथ हाउस, आप जिन पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हो बिल्कुल आपको अपनी तरह बना देंगे। आप अगर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो जो मॉरली करप्ट है, जिसके लिए बेईमानी और ईमानदारी के बीच में कोई फर्क नहीं, सेवेंथ हाउस का ट्रबल है, तो वो व्यक्ति आपको भी ड्रेन कर देगा। केंद्र है, लाइफ का पिलर है सातवां घर, जिनके घर में मतलब एक व्यक्ति की वाइफ की डेथ हुई, डेथ के बाद ना उन्होंने काम करना छोड़ दिया, सब कुछ बिल्कुल आइसोलेट हो गए, तो वो बोले यार बात इसकी नहीं है कि मेरी वाइफ जरूरत से ज्यादा पैसा कमाती थी या पैसे लेती थी या उसको ज्यादा जरूरत थी, लेकिन जब तक वो थी तब तक वो पिलर बनी हुई थी, वो नहीं तो मेरे को ना समझ नहीं करना क्या है जिंदगी के अंदर। सातवां घर पिलर है, जब वो पिलर नहीं रहता तो कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद आता है दसवां घर, एक सेइंग है कि वो लोग सबसे खुश नसीब होते हैं जिनको ये पता होता है कि मेरे को कल सुबह उठ के क्या करना है, मेरे को किस काम को करने में खुशी मिलेगी। देखो बाकी सारे घर ना आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं,
दसवां घर क्या अथॉरिटी है, दसवां घर पावर है, दसवां घर आपके कर्म है। ये चार केंद्र हैं लाइफ के अंदर, बाकी पूरा का पूरा चार्ट आपका बाय प्रोडक्ट्स का है। लाइक नाइन्थ हाउस पे आप देखिए, आप रिलीजन ही तो है, गाइडेंस ही तो है, मिलेगा नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी चलेगी। लेकिन 1, 4, 7, 10 में से कुछ मिसिंग होगा, आपके सब कितना भी नॉलेज हो, कितना भी फिलोसॉफिकल नॉलेज हो नाइन्थ हाउस, कितना भी फेम हो फिफ्थ हाउस, कितना भी ज्यादा एजुकेशन हो, काम नहीं है आपके पास टेंथ हाउस। फिर क्या करोगे फेम का? कई लोग होते हैं इनका फेम बहुत अच्छा होता है, फिलोसफिकल नॉलेज पूरा ज्ञान के भंडार भरे होते हैं, दुनिया इज्जत नहीं करती क्योंकि दसवां घर ना अच्छा नहीं है। आपको अगर इज्जत चाहिए तो आपको अपने काम के अंदर बहुत सारा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। टेंथ हाउस आपकी अथॉरिटी है कि आप सुबह उठ के क्या काम करते हैं पूरे दिन भर में, आपको किस लिए जाना जाएगा, आपकी किस चीज के अंदर आपकी, चाहे ना आप एक मैकेनिक हो, आपका मैकेनिक्स के अंदर हाथ अच्छा होना चाहिए, आप मैथमेटिक्स के अंदर कुछ पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स ना आपको इनसाइड आउट आना चाहिए, जो काम करना है ना वो कंप्लीट डिवोशन के साथ। टेंथ हाउस पिलर है, उससे फेम मिलना, पैसा आना, उसके से आपको बाकी सब चीजें होना, ग्रुप्स बनना, वो सब का सब आपका बाय प्रोडक्ट है 1, 4, 7, 10। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये मेरे लाइफ के केंद्र हैं। अच्छा, अब ये आपको ये पता चल गया कि ये केंद्र हैं, पिलर्स ऑफ द लाइफ है। अब ये देखो कि मान लो कि एक केंद्र का, मतलब एक श्लोक है जातक तत्वम का, कि जिसमें ये बोला गया कि अगर दो ग्रहों की दशा चले जो एक दूसरे से परस्पर केंद्र में हो तो वो दशा कभी भी अच्छी नहीं जाती। अब इस श्लोक को ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये चारों केंद्रों का ऑब्जेक्टिव अलग है। क्योंकि पहला घर बोल रहा है कि मेरी अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, चौथा घर बोलता है कि आराम पे, सुकून पे, इमोशनल बॉडी पे, दोपहर में घर में सोने को मिलना चाहिए, चौथे घर की दशा आती है ना। और ये फोर्थ हाउस बहुत अच्छा होता है, आपको खाना टाइम पे मिलेगा, सोना टाइम पे मिलेगा, दोपहर में, रात को सोना अच्छा मिलेगा, प्रोफेशन अच्छा टैलेंट चले, फोर्थ हाउस बहुत अच्छा चलेगा। हर किसी का एजेंडा अलग है। टेंथ हाउस की दशा आएगी तो क्या होगा, बैठने को टाइम नहीं मिलेगा एक मिनट में, क्योंकि आपका अभी क्या करना है, आपको अथॉरिटी लेनी है ना, तो सुबह से लेकर शाम तक काम करवाएगा, वो आराम नहीं करने देगा। सेवेंथ हाउस की दशा में आपको फोकस सामने वाले पे करना है, इसलिए आपको लगता है कि मेरे हाथ बंद गए अभी, क्यों, क्योंकि आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। 1, 4, 7, 10। अब वो केंद्र जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाता है जब दो केंद्र लॉर्ड्स एक दूसरे के घर में आके बैठ जाते हैं। सपोज करो लगन लॉर्ड टेंथ हाउस, मैंने क्या बोला था, टेंथ लॉर्ड 1, 1st हाउस, ऐसे लोग कमाल नहीं, काम नहीं, कारनामे करते हैं। उसी तरीके से फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए या फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में चला जाए, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रायोरिटी क्या है फोर्थ हाउस की, आराम सुकून। ऐसे व्यक्ति को तुम कहोगे ना जरूरत से ज्यादा मेहनत कर ले इस दशा में, क्योंकि फर्स्ट लगन लॉर्ड की भी प्रायोरिटी क्या हो गई, आराम से रहना है, ज्यादा ना भाग दौड़ नहीं चाहिए। सेवेंथ हाउस में चला जाए लगन का मालिक, प्रायोरिटी क्या है, सामने वाले को सुनना, हमेशा ध्यान रखना कि वो क्या सोचेगा। सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट में हो तो प्रायोरिटी क्या है, सोचता रहे जो मर्जी, मेरे को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी तो मैं हूं ना अभी सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस। आप देखो ना कि आपको ना जब ये करोगे ना, ये बेसिक्स है बिल्कुल ज्योतिष के अंदर, लेकिन ना आपको लोग समझ में आने चालू हो जाएंगे, आपको दशा समझ में आने चालू हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको आकाश के अंदर घर का ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, आप प्रेडिक्शन कैसे करोगे, आप प्रेडिक्शन नहीं करोगे तो रेमेडी कैसे दोगे। दशा तो है दसवें घर की, रेमेडी दे रहे हो आप छठे घर का, नहीं चलेगा। आपको ना समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये चारों के चारों केंद्र लॉर्ड जब एक दूसरे से जाके मिलते हैं ना, उस घर के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि मेरे को ये करना है। अच्छा, इसके बाद आता है 5 और 9, आपके पुण्य स्थान है, जिसको लक्ष्मी स्थान भी बोला गया, कि इन दोनों का संबंध कहीं भी केंद्र से आ जाए, भाई टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस से मिल जाए, आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपको प्रसिद्धि मिल जाए, फिफ्थ हाउस फेम है ना, इससे अच्छी क्या बात होगी, आपको अपना काम भी कर रहे हो साथ में फेम भी मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट है, अच्छा ही हो गया। फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस में मिल जाए कि आपने समाज की भलाई के लिए काम किया, फोर्थ हाउस समाज भी है,
आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके से आपको धर्म की प्राप्ति हुई। नाइन्थ और फोर्थ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फोर्थ और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये अच्छी जगह पे बैठे हुए हो, तो ये ग्रेड वन के राजयोग माने गए। इन दशाओं के अंदर हमेशा अच्छा जाएगा। दूसरा घर, आठवां घर और बारहवां घर, ये वो घर माने गए जिनके अपने रिजल्ट्स नहीं होते। लाइक आप खाना कैसे खाते हैं, सेकंड हाउस, आप जहां बैठेंगे वैसा खाना खाएंगे। आप जिस स्टेट में जाएंगे, अगर आपका सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, आपने स्ट्रेस लेके ही खाना खाना है। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाकी सारे के सारे घर ना, तीसरा घर और ग्यारहवां घर आपका पराक्रम है कि आपने कितने एफर्ट्स डालने हैं। इलेवेंथ हाउस आपके डिजायर्स हैं कि कितना आपका, आपको काम करने की कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। हो सकता है कि आप 10 रुपए का काम करते हैं, आपको 100 रुपए की एक्सपेक्टेशन हो, 11th हाउस में ज्यादा प्लांट्स बैठे हो और उतने आपको पूरे भी होते हो अगर आपका अच्छा कॉम्बिनेशन 11th हाउस का, कि 11th और 9th का कॉम्बिनेशन कभी मर्जी होता है तब भी एक रेखे का राजयोग बन जाता है, या 11th और 9th में एक्सचेंज हो जाए हाउसेस। लेकिन ये तो बाय प्रोडक्ट्स है ना। लाइफ का पिलर क्या है, 1, 4, 7, 10, जब इन केंद्रों में ग्रह नहीं होते। सपोज करो किसी का पूरा केंद्र खाली है, वो केंद्र अगर खाली हो गया है तो मतलब लाइफ का प्रायोरिटी कहीं और जाके बैठ गया है, वो 9th हाउस में बैठ गया, 5th हाउस में बैठ गया है। तो ऐसे लोगों को ना कई बार ये समझने में बहुत दिक्कत आती है कि मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं। कई लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछना, अच्छा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो अगर 4th हाउस ऑब्जेक्टिव है कि आराम से 2 वक्त खाना खा के सोना है, एक घर होना चाहिए, तो आपकी लाइफ में आप सॉर्टेड हो, आपको पता है कि मैंने ये काम करना है, इससे ये इसका रिजल्ट है। उसी तरीके से बाकी सारे घर 2, 8, 12, 3, 11, ये सारे के सारे घर बाय प्रोडक्ट्स दिखाते हैं 1, 4, 7, 10 के, इसलिए इनको केंद्र कहा गया। अच्छा, दूसरा है सपोर्टिंग हाउसेस 5 एंड 9, कि आपको सपोर्ट कौन करेगा। आपको अगर कोई काम करते हो, लगन लॉर्ड 5th हाउस में हो तो आपका इंटेलिजेंस है ना 5th हाउस, आपका फेम है 5th हाउस, आप जो भी काम करोगे आपको इवेंचुअली फेम मिलेगा, सपोर्ट 5th और 1st में आ जाए, 1st एंड 5th कंबाइंड होके केंद्र में त्रिकोण में आ जाए, राजयोग है अपने तरीके का, 4th इसमें मिल जाए, 9th लॉर्ड इसको देख ले। अभी इसमें एग्जॉल्टेड डेविलेटेड कुछ नहीं करना, आपने पहले बेसिक योग देखना है कि वो कहां का रूलर है। जब आपको ये पता हो कि प्लैनेट इस रूलरशिप को लेकर आ रहा है, तब आपको पता होता है कि अच्छा ये रूलरशिप है इस प्लैनेट का, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। तो इससे पहले कि आप ये देखें कि वो एग्जॉल्टेड है, डेविलेटेड है, कंबस्टेड है, पहले देखिए रूलरशिप कौन सा है, क्या वो केंद्र है, क्या वो त्रिकोण है। आप देखिए, अगर आप एक बुक है जिसके अंदर दशाओं का रिजल्ट बताया गया, और वो है जातक चंद्रिका लघु पराशरी मध्य पराशरी। लघु पराशरी के अंदर पहला जो श्लोक है ना, वो वहीं से चालू होता है, और सबसे पहले आपको बताएंगे कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में हो तो ये रिजल्ट होता है, वो एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड की बात नहीं करेगा, वो बाद में आके आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा ये अगर प्लांट एग्जॉल्टेड हो गया है तो खुशी खुशी ये काम हो रहा है, डेबिलेटेड हो रहा है तो आपको फील नहीं होने दे रहा, या दुखी होकर कर रहा है, पर कर रहा है क्योंकि है तो उसी घर का मालिक ना, ऑब्जेक्टिव तो नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन था किसी एक स्टूडेंट का कल के उसमें चैट में, जिसमें उन्होंने पूछा कि वर्गोत्तम क्या होता है। तो वर्गोत्तम का मतलब है कि प्लैनेट ने जिस साइन में, सपोज करो कि सूर्य मेष राशि में है, सूर्य मेष राशि में ही नवांश में हो, तो उसको वर्गोत्तम ग्रह कहा गया। इस टॉपिक पे वैसे तो मैं ऑलरेडी इसमें बहुत सारे डिटेल में बताऊंगा, पर मैं आपको बताता हूं कि वर्गोत्तम का मतलब यह है कि प्लैनेट का एजेंडा क्लियर है। देखो, कोई ग्रह मान लीजिए मेष राशि में है और लियो नवांश में है, तो राशि में तो दिखाई दे रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ डेवलपमेंट, बिकॉज मेष की राशि है, पर मैं पीछे से ये चाहता हूं कि मेरा इसमें फेम भी आ जाए, मेरी अथॉरिटी भी आ जाए, क्योंकि लियो की राशि है, तो दिखता कुछ और है, ऑब्जेक्टिव कुछ और है। जबकि अगर आप इसको वैसे करके देखेंगे कि अगर ये ग्रह
जो राशि में है वही नवांश में हो तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना बंदे का, कि उस ग्रह का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैं यहाँ पे भी एग्जॉल्टेड हूँ, नीचे भी एग्जॉल्टेड हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हूं। अगर मैं आठवें घर में बैठा हूँ, आठवें घर की नवांश में हूँ, चाहे भले ही वर्गोत्तम हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैं आपको परेशान करने आऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि वर्गोत्तम होना ग्रह अच्छा हो, बस ये है कि ग्रह अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं जैसा राशि में दिखता हूं वैसा ही काम नवांश में जाके करने वाला हूं, मेरा जो बैक फेस है वो भी सेम है, मेरी बैक एनर्जी भी सेम है, यही वर्गोत्तम का रिजल्ट है। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे 3, 6, 8, 11 त्रिशड़ाए क्या काम करते हैं, क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद हम एक एक करके लगन को कवर करेंगे, मेष से चालू करेंगे, मीन तक जाएंगे और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चार्ट का हो जाएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।